हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर पठान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। फिल्म ने पहले दिन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कमाई के नए झंडे गाड़ दिए हैं। फिल्म ने देश भर में जहां पहले दिन 57 करोड़ की कमाई की, जिसमें 55 करोड़ हिंदी भाषा और करीब 2 करोड़ अन्य भाषाओं में कमाई, वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने पहले दिन 106 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के अलावा जॉन अब्राहिम भी अहम भूमिका में है। गणतंत्र दिवस पर रिलीज हुई इस फिल्म का एक्शन जबरदस्त तड़का है, साथ ही फिल्म में देशभक्ति की भावना भी दिखाई गई है। फिल्म की कहानी पठान के बारे में है, जो एक खुफिया एजेंट है और अपने देश को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में एजेंट की भूमिका में नजर आ रही हैं। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने करीब 2 साल तक जिम में पसीना बहाकर 6 पैक एब्स हासिल किए और उनकी मेहनत फिल्म में साफ दिखाई दे रही है। फिल्म का निर्माण यशराज पैनर ने किया, वहीं इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। फिल्म की कहानी में यूं तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है। खासतौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं। फिल्म में एक्शन, ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी मजेदार हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं, लेकिन फिल्म का सेकेंड हाफ आपको काफी एंटरटेन करना है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं। इसके बाद आप फिल्म देखकर यही कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है भाई। जैसे जैसे बिग बॉस फिनाले की तरफ जा रहा है, कंटेस्टेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। हाल ही में बिग बॉस के प्रेमियों के लिए बड़ी शॉकिंग खबर है और इस खबर को जानकर कई लोगों का दिल भी टूट सकता है। फिनाले से पहले ही टीवी की बहू का पत्ता रियलिटी शो से साफ हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीना दत्ता की। इन्हें ट्रॉफी का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब खबर है कि टीना दत्ता शो से एलिमिनेट हो चुकी हैं। उत्तरन फेम टीना दत्ता पिछले काफी दिनों से खबरों में बनी हुई थी। बिग बॉस के घर में टीना की नजदीकियां शालिन के साथ बढ़ी और फिर उनके बीच दुश्मनी भी देखी गई। दोनों आज के समय एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन बिग बॉस के घर में रहते हुए टीना ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। आपको बता दें कि सबसे टीना दत्ता, शालिन भनोट, प्रियंका चौधरी और शिव ठाकरे नॉमिनेट थे। बाकी कंटेस्टेंट की तुलना में टीना को सबसे कम वोट मिले और इसी वजह से उनका सफर फिनाले से चंद दिन पहले खत्म हो गया। इससे पहले आपने देखा कि टीना दत्ता से परेशान होकर फराह खान भी शो में वॉकआउट कर जाती हैं। शालिन से अलग होने के बाद टीना और प्रियंका ने शालिन को परेशान करना शुरू कर दिया, जिस पर फराह टीना को कुछ समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीना उनकी बात को बार बार काट देती है। इस वजह से वीकेंड का वार पर फराह खान, टीना और प्रियंका को जमकर फटकार लगती है। फराह टीना से इतना परेशान हो गई वो शो बीच में छोड़कर जाती दिखी। फराह ने कुछ ना बोलने के लिए शालिन को भी डांट लगाई है। कजाकिस्तान के सेलिब्रिटी सिंगर और बिग बॉस 16 फेम अब्दुलरोजिक अब इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं। भारत में भी अब्दुलरोजिक को बहुत प्यार मिला है। हाल ही में अब्दुल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से मिलने उनके घर के बाहर पहुंचे थे। इसका वीडियो भी अब्दुल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। शाहरुख खान के घर के बाहर अब्दुल को उनके इंडियन फैंस ने घेर लिया और सेल्फी और वीडियो लेने के लिए पागल दिखाई दिए। अब्दुल ने अपने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो में अब्दुल अपने फैंस को ग्रीट करते नजर आ रहे हैं। मन्नत के बाहर अब्दू को हजारों फैंस ने घेर रखा है और उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। अब्दू भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए अब्दू ने कैप्शन दिया, भारत में शाहरुख खान से मिलना उनका आखिरी सपना था, आखिरकार ये भी पूरा हो गया। फिर उन्होंने एसआरके को टैग करके लिखा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखना मत भूलिए बॉलीवुड गपशप।